तो हेलो गाइस, मेरा नाम है संगी और आज मैं आपको बता रही हूँ कि अपने को व्हाट्सअप स्टेटस या फेसबुक का स्टेटस कैसे बनाया जाता है, वो कैसे बनाना है और वो कहाँ से बनाना है, वो कौन से ऐप पर बनाना है, उसका मटेरियल्स कहाँ से लेना है। आपको बहुत ज़्यादा बंदों की मतलब कि कमेंट्स आती है, भाई स्टेटस कैसे बनाना है। स्टेटस तो मतलब कि अपलोड तो करना है पर स्टेटस बनाया नहीं जाता, खुद का स्टेटस बनाना है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि स्टेटस कैसे बनाना है और कौन से ऐप में बनाना है। तो स्टेटस बनाना सीखने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, आपको यहाँ से जाकर ये देखो मैंने ये वाला एक काइन मास्टर डाउनलोड कर रखा है। आपके पास अलग काइन मास्टर होगा तो वो काइन मास्टर डिलीट करके ये वाला काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना। मैं इसको डाउनलोड करने के लिए आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलो, तो ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा एक इंटरफेस आने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक प्लस वाला आइकन, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला, नहीं तो ये वाला, आपको मोबाइल स्क्रीन में बनाना है तो ये, और लैपटॉप स्क्रीन में बनाना है तो मैं यहाँ भी ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ से आपको ले लेना है यहाँ पर जाकर, पहले सबसे पहले तो या फिर मीडिया में जाकर यहाँ से आपको ले लेना है ये बैकग्राउंड वाला। बैकग्राउंड में जाने के बाद में यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, मैं ले लेता हूँ ऐसे, आगे ले लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जाकर ये लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर मीडिया को ओपन कर लेना है, वहाँ से मैं ले लेता हूँ ये देखो। अब मैं एग्जांपल के द्वारा पे, तो यहाँ से मैं इसको ऐसा बड़ा ले लेता हूँ। बढ़ाने के बाद में यहाँ पर मैं जाकर यहाँ से फिर मैं लेयर में जाता हूँ, वहाँ से उसको ओपन करने के बाद मीडिया में चले जाता हूँ। मीडिया को ओपन करने के बाद मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ हमारे फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो ले लिया, तो ये यहाँ पे ऐसे ही बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद में यहाँ फिर जाके ये देखो, आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही होगी, उसको टच कर कर, उसको टच करने के बाद में ये देखो, एक मिनट, इसको सेंड टू बैक कर लेता हूँ। यहाँ से एक बार इसको ऐसे ही इसको टच कर लेता हूँ, इस लाइन पर टच करने के बाद इसको नीचे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग दिख रहा होगा, उस पर टच कर कर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, ये देखो स्क्रीन, उसको कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको मेरा एक फ़ोटो नज़र आ गया। नज़र आने के बाद मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद मैं इसको एक एनिमेशन दे देता हूँ। एनिमेशन के बाद में ओरल एनिमेशन दे देता हूँ। ओरल एनिमेशन में एक ऐसा एक एनिमेशन दे देता हूँ। उसको एनिमेशन देने के बाद में यहाँ से मैं जाता हूँ मीडिया में, फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा मीडिया। मीडिया में जाने के बाद में मैं डाउनलोड में जाता हूँ। यहाँ से ये वाला मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे नीचे जाकर ब्लेंडिंग में स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद में ये देखो आगे वीडियो चला लेता हूँ। वीडियो चलने के बाद में यहाँ पे जब वीडियो चल जाएगा तब ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ से और भी आपको ले लेना है, यहाँ पर और भी ऐसे ही ले लेना है। ये देखो मैं ले लेता हूँ सभी को। तो ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे सभी सेट कर लिया है। देखो वीडियो चला के दिखा देता हूँ आपको। वीडियो चला के देखने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से मैं चला जाता हूँ हमारे लेयर में। लेयर में जाने के बाद उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मीडिया में चले जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड। डाउनलोड में जाने के बाद में एक ऐसा ऐसा ले लेता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकली दिखा देगा। उसको लेने के बाद में आपको ऐसा कुछ नज़र आ जाएगा। नज़र आ गया तो उसका ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करने के बाद में उसको एक बार नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग में जाकर उसको भी स्क्रीन कर देता हूँ। तो आपके सामने ये देखो चला के दिखा देता हूँ। ये देखो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर जाने के बाद में और भी मैं यहाँ पर लेयर में चले जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद में आपके सामने मीडिया में चले जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद में
आपको एक ये वाला डाउनलोड्स दिख रहा होगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक सुपरस्टार ऐसा कुछ तो पीएनजी आपको ले लेना है, और वो यहाँ से लेकर मैं यहाँ से जाकर आप ब्लेंडिंग में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जाना है, थोड़ा सा सेट कर लेना है और यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद में आपको यहाँ से आपको इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो भी थोड़ा बहुत तैर से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये वीडियो ऐसा लग जाएगा। तो आपके पास मतलब कि ऐसा वीडियो आ जाएगा, आपके सामने ऐसा वीडियो आ गया। तो वहाँ पे जाकर मैं फिर मैं मीडिया में चले जाता हूँ। मीडिया में जाने के बाद में उसको आपको देना एक एक मतलब कि आपको बॉर्डर देना है। तो यहाँ से मैं ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं ऐसे बॉर्डर को नीचे जाकर ब्लेंडिंग में स्क्रीन या फिर मल्टीप्लाई स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन भी अच्छा लग जाता है। तो इसलिए स्क्रीन करने के बाद मैं आपको उसको मैं बड़ा थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद में ऐसा कुछ लग जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वीडियो को, मतलब कि अच्छे से अच्छा लग जा रहा है। तो देख लीजिए आप, जो ऐसा जब बन जाएगा तो आपका जो वाटरमार्क है, आपका नाम वगैरह जो भी देना है, यहाँ पर जाना है। और इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ संकेत। संकेत लिखने के बाद में आपको जाना है, ऐसा एक घुमा लेना है और आपको ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है। फॉन्ट यहाँ पर ये देख रहा होगा, फॉन्ट फॉन्ट में आपको जो पसंद फॉन्ट आएगा वो ले लेना है। ये देखो, मुझे तो मैं एक फॉन्ट आपको ये वाला दे देता हूँ। तो ये देखो, मैंने फॉन्ट एडजस्ट कर लिया है। तो ये देखो, मैं अच्छा सा फॉन्ट दे दिया। तो आपको यहाँ से ऐसा कर लेना है। और उसके बाद में देखो, अपना एक स्टेटस रेडी है, उसमें कुछ भी आपको एडजस्ट करने होगा। तो ये देखो, मैं और भी एक एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर जाकर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा स्टाइलिस्ट कुछ लेना होगा। ये देखो, मैं ये एक लोगो लेकर बता देता हूँ। तो यहाँ पर लोगो लेना होगा, तो यहाँ से मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ। बढ़ा लेने के बाद में ये देखो, कुछ थोड़ा इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद में इसको कुछ इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको सिप से नीचे जाकर स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन में जाने के बाद में यहाँ पर इसको छोटा करके यहाँ पर कुछ जहाँ पर सेट करना है वहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमारा ये वीडियो मतलब कि ये देखो रेडी हो चुका है। तो ये वीडियो अपना एक स्टेटस रेडी हो गया। तो ये स्टेटस रेडी हो गया, ये स्टेटस कैसे बनाना है आपको समझ आएगा। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे इस वीडियो में कुछ आपको दिक्कत लगी होगी, कुछ मतलब कि हमारे से गलती हो गई होगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। आपको ये वीडियो मतलब कि स्टेटस बनाना सीख गए होगा और हमारा ये मटेरियल आपको अच्छा लगा होगा और आपको लगता होगा कि ये वीडियो देखकर हमारा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ लाइक और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं हमारा अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।